इंसान तो हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन बीती हुई घटनाओं की स्मृतियां छोड़ जाता है, एक यादों की लंबी बारात छोड़ जाता है जो जिंदगी भर हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। किशोर सबसे छोटा था, हमारे फैमिली में सबसे छोटा भाई था और सबसे प्यारा था। उसका गला बड़ा ही खराब था, बड़ा ही कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर, खांसता रहता था हमेशा। तो मैंने कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले, पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टो की उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्प्रिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात, आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयाँ होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा, ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हुआ, गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया, गाना शुरू किया तो उसका तो रियल आइडल था सैगल, सैगल गाना शुरू किया। और हमसे कहा करता था, तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सैगल जैसा नहीं है। भाई भाई करके पिक्चर आई वेब में की तो उसने कहा कि भाई दादा मुनि को ले लीजिए, क्योंकि दोनों भाई रहेंगे और भाई भाई का रोल कर रहे हैं तो इसलिए बेटर। और भाई अच्छा ही हुआ, अगर वो नहीं करते तो शायद उतना पॉपुलर नहीं होता पिक्चर। तो उसमें मेरा थोड़ा सा विलेनिश रोल था, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो तू हीरो बन जा, अच्छा है। इज्जत होती है इंसान की, शैतान की नहीं। घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाजारी औरतों के साथ रंगरलियां मनाकर तुम दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखते हो। खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं, लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में स्वर्ग समझती है, लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे। ब्यूटी क्या थी जो सुर पर बैठता था, तीर जैसा बैठता था। दैट इज वेरी हाई पॉइंट, बिग पॉइंट, गोज राइट टू द नोट, एकदम तीर कोने जैसा लगता। बाकी जितने गाने वाले हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, कम सुरा हो जाते हैं, सुर से आगे जाते हैं, क्योंकि एक सा गा सा रे गा मा में सा में तीन सुर हैं, सा तीन है, इफ यू सी इट तीन सुर है, तो बिल्कुल बीच में बैठता था वो, आउट ऑफ टीन होते ही नहीं था। तो हो गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ गाने में।